नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ। आज का विषय है साइनोसाइटिस, एक ऐसी समस्या जो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है और इलाज के रूप में इस समस्या का कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है जिससे बीमारी पूरे तरीके से सही हो जाए। साइनसाइटिस का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो है साइनस में इन्फ्लेमेशन, साइनस पर आइटिस, साइनसाइटिस। ये सामान्य तौर पर हमारे सिर में दर्द कराती है, आंखों के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है, चेहरे पर यहाँ दर्द होता है और इसके साथ में ये हमको जुकाम करवाती है और जब लंबे समय तक जुकाम बना रहता है तो इसके चक्कर में खांसी भी हो जाती है। एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक साइनसाइटिस, इन शब्दों से शायद परिचय होगा आपका। एलर्जिक रिएक्शंस जो होती हैं उसके चक्कर में जो भी एलर्जन है, धूल, मिट्टी, धुआं, केमिकल वाला पॉल्यूशन या फिर किताबों की धूल, वातावरण में जो हाउस डस्ट घर के आसपास रहती है वो, इन सब चीज़ों से जब हमारी नाक के अंदर की मेम्ब्रेन का कांटेक्ट होता है तो नाक के अंदर जो नेजल म्यूकोसल मेम्ब्रेन है उस पर ये धूल मिट्टी के कण जाकर चिपकते हैं और एलर्जी क्रिएट करके मेम्ब्रेन को सुजाने का काम करते हैं, मेम्ब्रेन में सूजन पैदा करने का काम करते हैं। सूजन चूंकि इन्फ्लेमेशन है, साइनस की जगह पर नाक के अंदर की मेम्ब्रेन पर जिसको राइनाइटिस बोला जाता है, इन्फ्लेमेशन में सूजन, लालामी, दर्द, वहाँ की कार्यक्षमता का कम हो जाना और वहाँ की गर्मी का बढ़ जाना, ये पांचों साइन आते हैं। तो सूजन भी आई, वहाँ लालामी भी आती है। जैसे नाक अगर अंदर से देखो तो जब एलर्जिक राइनाइटिस हो रही होती, नज़ला जब हो रहा होता है तो नाक को अगर अंदर से टॉर्च लगा के देखते हैं तो अंदर लालामी सी भी आ जाती है। अगर ये इन्फ्लेमेटरी होकर के थोड़ा ज़्यादा दिन रुकता है तो ये पूरे शरीर का तापमान बढ़ाने का काम कर सकती है, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा एलर्जिक राइनाइटिस में, इन्फ्लेमेशन है, गर्मी भी बढ़ेगी वहाँ पर, दर्द भी होगा यहाँ आसपास, जहाँ जहाँ जो भी साइनस इन्वॉल्व होंगे उस जगह पर दर्द होगा और साथ में जिस जगह पर ये इन्फ्लेमेशन होता है उस जगह की कार्यक्षमता में कमी आना चालू हो जाएगी। तो अगर रायना मतलब नाक में अगर ये इन्फ्लेमेशन हुआ है, राइनाइटिस हुई है, तो फिर जो समस्या होगी वो नेजल चौकेज की, नेजल ब्लॉकेज की होगी, नाक बंद होगी, नाक चौक होना चालू हो जाएगी। अगर साइनस में यह समस्या हुई है तो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स जाके साइनस में भरना चालू होंगे, साइनस का मतलब होता है खाली जगह, बिल्कुल खाली, और वहाँ पर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स अगर भरना चालू होंगे तो फिर वो हमको भराव का दर्द पैदा करेंगे और उस जगह पर तीखा दर्द होना चालू हो जाएगा। तो ये होता है एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनसाइटिस। और अगर ये समस्या एलर्जी की बढ़ती हुई ट्रैकिया से होते हुए हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है तो इसको एलर्जिक ट्रोकाइटिस, ट्रैकियाइटिस और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस तक भी बोला जा सकता है। इसका कारण जो है होने का, किसी भी एलर्जी के शरीर में होने का रीजन जो होता है वो तो है पैसे है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताओं में कमी,
और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं में कमी मतलब शरीर में जो भी वायरस बैक्टीरिया या बाहर का कोई भी पैथोजन कुछ भी शरीर में अंदर जा रहा है और शरीर उसको खत्म करने की बजाय उससे परेशान हो, तब उसको बोलते हैं हम कि शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ी है। और उस कमजोर पड़ने की वजह से, उस क्षमता के कमजोर पड़ने की वजह से हमारे शरीर में रोग अपने लक्षण पैदा करना चालू कर देता है। और अगर ऐसी अवस्था में हमें अगर जो रिएक्शंस हैं हमारी सेंसिटिव होकर के, सेंसिटिविटी तो सबको होनी चाहिए, हम जब बदबू वाली जगह से निकलते हैं तो नाक सब बंद करते हैं, लेकिन हम बदबू वाली जगह से निकलें और हमारी सांस उखड़ जाए, हम बहुत ज्यादा परेशान होना चालू हो जाए, हमें पफ लेने तक की आवश्यकता पड़ना चालू हो जाए, हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर हमको पफ प्रिस्क्राइब कर दे, इसका मतलब है वो सेंसिटिविटी नहीं, वो हाइपर सेंसिटिविटी हो गई। और ये हाइपर सेंसिटिविटी जो है यही होती है अलर्जिक राइनाइटिस, अलर्जिक साइनसाइटिस के केस में। इसका ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं और इसके साथ फिर हम अपने शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, अपने शरीर का अंदर का व्याधि क्षमत्व जो है, अंदर से जो शरीर की मजबूती है, वो जब तक नहीं बढ़ा रहे हैं तब तक हमें पूरा आराम नहीं होगा। लेकिन हम प्राकृतिक चिकित्सा में इस समस्या का पूरे तरीके से इलाज कर सकते हैं और बहुत सुलभ सा साधन, साधारण सा इलाज है जो हम आसानी से घर में कर सकते हैं। उसमें अलर्जिक साइनसाइटिस हो या अलर्जिक राइनाइटिस, नज़ले की समस्या किसी को हो, उस दोनों ही समस्याओं के लिए ये बहुत ही फायदेमंद क्रियाएं रहेंगी। उसमें सबसे पहले अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अच्छी चिकित्सा होती है एक, जिसको हम फेशियल स्टीम बोलते हैं। पानी पानी में हम विक्स डाल सकते हैं। अगर हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना चाहें तो हम यूकेलिप्टस के पत्ते डाल सकते हैं, सफ़ेदे के पत्ते। 1 लीटर पानी लिया, उसमें लगभग 10 से 15 पत्ते अच्छे तरीके से धो के, उनको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में डाला और पानी को उबालना चालू किया। पानी को खूब उबालें, उबालते उबालते पानी में झाग और पानी से जो भाप निकलना चालू हो, एक तौलिया को सिर से होते हुए ओढ़ के उस भाप को हम नाक से होते हुए सीधा श्वास के साथ, वो भाप हमारे फेफड़ों तक जाएगी, नाक की सफाई करेगी, वो भाप गरम गरम हमारे साइनसेस की सिकाई करेगी और भाप की वजह से वैसोडायलेटेशन होगा, मस्कुलर रिलैक्सेशन होगा। तो जो भी वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स जमा हुए हैं वो वहाँ से निकलना भी चालू होंगे। भाप गर्म है इसलिए म्यूकोलाइटिक होती है, तो जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन पर म्यूकस चिपका हुआ है वो वहाँ से छूटेगा और वो भी निकलना चालू होगा। भाप गर्म है इसलिए ब्रोंको डायलेटर का काम करेगी, जो हमारी श्वास की नलियां हैं उनको खोलने का काम करेगी। जो श्वास की ग्रंथियां हैं, जो श्वास के वायु कोश हैं, उनको खोलने का काम करेगी। साथ में चूंकि यूकेलिप्टस हमने डाला हुआ है, उसमें यूकेलिप्टस जो है वो एक्सपेक्टोरेंट भी है, एक्सपेक्टोरेशन का काम होगा। जो कफ या जो म्यूकस हमारे फेफड़ों में जमा हुआ है, चिपका हुआ है, वो पूरा का पूरा निकलना चालू होगा। तो ये सारे फायदे हम सफ़ेदे के पत्ते पानी में डाल के ढंग से उनको उबाल कर उसकी भाप हम नाक से होते हुए फेफड़ों तक ले जाएं। इस भाप को हम लगभग 3 साढ़े 3 मिनट तक एक बार में ले सकते हैं। भाप लेने के लिए ये विशेष ध्यान रखा जाए कि जिन्होंने आँखों का ऑपरेशन करा रखा है, भाप चूंकि आँखों तक जाती है, आँखें हम बेशक बंद करके भाप लेंगे लेकिन फिर भी आँखों में गर्मी जाती है
और वो गर्मी कभी कभी थोड़ा नुकसान कर जाती है, जिन्होंने ऑपरेशन करा रखा है या जिनकी आईसाइट जो है वो थोड़ी सी वीक है, ऐसे लोगों को आँखों पर एक कपड़े को बांध कर, एक रुमाल वगैरह पूरा ऐसे बांध के, उसके बाद फिर भाप लें तो कपड़े से होते हुए गर्मी आँखों तक नहीं पहुँच पाएगी, अच्छा रहेगा। भाप लेने के बाद हम ढंग से अच्छे तरीके से आगे झुक के नाक को पूरा छिड़कें, ढंग से जो भी नेजल सिक्रेशन बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों उनको हम पूरा बाहर निकाल दें, प्रॉपर जोर से एक्सपेक्ट नेजल एरिया में पूरा जोर लगाते हुए एक्सलेशन करें हम, तो उससे पूरी की पूरी जो भी नाक के अंदर या फिर हमारे फेफड़ों के अंदर जो भी गंदगी या साइनस में जो भी गंदगी भरी हुई थी वो पूरी की पूरी निकल के बाहर आना चालू हो जाए, अच्छा रहेगा। इसके साथ में हम नस्य का एक प्रोसेस होता है वो कर सकते हैं। नस्य के लिए जब हम ये करके फ्री हो जाएं, उसके बाद ये जो गरम गरम हवा, गरम गरम भाप हमारी नाक से होते हुए जाएगी तो हल्की ड्राइनेस आ सकती है इसको लेने के बाद, तो वो ड्राइनेस नहीं आए इसके लिए हम लुब्रिकेशन, नेजल लुब्रिकेशन का काम करते हैं, इसको नस्य बोलते हैं। तो या तो हम गाय का शुद्ध घी या फिर हम चाहें तो सरसों का तेल या बादाम रोगन तेल, संभव अगर हो तो आयुर्वेद में सटबिंदु तेल या अणु तेल आता है, इनमें से किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। इसको हल्का सा गर्म पानी में इसकी सीसी को घुमा के हल्का गुनगुना तेल को करके वो तेल दो दो ड्रॉप दोनों नेजल एरिया में हमको डालना है, इससे नेजल लुब्रिकेशन रहेगा। नेजल लुब्रिकेशन रहेगा तो नाक एक तो लुब्रिकेटेड रहेगी, सूजन जो नाक की नेजल एरिया पर जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन थी उन पर जो सूजन आ रही थी वो सूजन कम होगी, और साथ में ये नेजल चौकेज को ख़त्म कराने का काम करेगा। जो हमारे ब्रीदिंग एयरवेज जो हैं वो एयरवेज बिल्कुल स्मूथ रहेंगे, लुब्रिकेटेड रहेंगे, तो हमको सांस भरने और छोड़ने में जो अलर्जिक राइनाइटिस, अलर्जिक साइनोसाइटिस या अलर्जिक ब्रोंकाइटिस में हमको दिक्कत आती है वो दिक्कत नहीं आएगी। ये तो हुआ एक तो सफ़ेदे की भाप और दूसरा नस्य, नाक में गाय का घी तेल या फिर सटबिंदु या अणु तेल डालना, ये हुआ। अलर्जिक साइनोसाइटिस के केस में जो सिर में दर्द होता है या नाक जो एकदम से बंद रहती है, जो कंजेशन रहता है, उसको रिलीव कराने का एक अच्छा और ट्रीटमेंट होता है गर्म पाद स्नान या हल्के गर्म पानी में पाद स्नान। तो या तो गर्म पाद स्नान का मतलब पानी गर्म होगा, उस गर्म पानी में पैर डालना है। गर्म पानी में जब भी पैर डाला जाएगा तो ये विशेष ध्यान रखा जाएगा कि गर्म पानी में पैर डाला है तो माथे को हमें, सिर को हमें ठंडा करने की आवश्यकता होगी, और अगर पॉसिबल हो जाए तो हम पहले एक कॉटन का कपड़ा और ऊपर से हम वोलन का कपड़ा या फिर कंबल ओढ़ लें, उससे जो गर्मी हमारे पैरों से होते हुए शरीर पर पहुंचेगी, शरीर में गर्मी का आभास होगा, शरीर में से पसीना निकलेगा, तो एलिमिनेशन का प्रोग्राम भी पूरा होगा, और साथ में जो पैरों पर गर्मी हुई है, वैसोडायलेटेशन हुआ है, जो पैरों की खून की नलियाँ हैं वो डायलेट हुई हैं, तो ऊपर का ब्लड नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर का ब्लड नीचे की तरफ जाएगा तो नेजल कंजेशन, जो साइनस पर कंजेशन था या जो हमारे लंग्स पर कंजेशन था या जो हमारे सिर में दर्द का रीज़न बन रहा था जिसको सेरेब्रल कंजेशन बोलते हैं वो था, उस सारे कंजेशन में हमको आराम होगा, खून नीचे की तरफ जाएगा और जैसे ही हम गर्म पानी में से पैरों को निकालेंगे तो खून धीरे धीरे करके फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा फ़ायदा कर सकता है। इसके साथ में अगर बात करी जाए नेचुरोपैथी के बेसिक ट्रीटमेंट्स की, तो शरीर में बीमारी कोई भी हो, नेचुरोपैथी में हम कोशिश करते हैं, नेचुरोपैथी में माना जाता है सर्वे रोगा मलावसा, शरीर में मल का वास होता है तभी कोई भी रोग शरीर में आता है, तो एलिमिनेशन का प्लान रखा जाए। एलिमिनेशन के प्लान में शरीर की गंदगी जो शरीर में से निकालने का विधान है वो आंतों की गंदगी हम एनस से निकालते हैं, हम
कोई भी दस्तावर चीज खाने पीने में ले लें या फिर दस्तावर कोई इलाज दिया जाए। दूसरा, गंदगी जो किडनी के माध्यम से यूरिन से निकलती है वो। तीसरा, गंदगी जो श्वास के माध्यम से फेफड़ों की गंदगी निकलती है वो। और चौथा, पसीने की गंदगी जो खून की गंदगी है पसीने के माध्यम से निकलती है वो। तो इन चारों को, जैसे हमने अभी गर्म पात स्नान किया, शरीर में से पसीना निकला, पसीने की गंदगी निकली, हम एनेमा कर सकते हैं। एनेमा से आंतों की गंदगी हम साफ करें, वही एलिमिनेशन सबसे पहला प्लान है। तो एनेमा करने के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम होता है कि एनेमा के पहले अगर मिट्टी की पट्टी कर देते हैं तो एनेमा का इफेक्ट हमको बहुत अच्छा मिलता है, आंतें बहुत अच्छे तरीके से पूरी साफ हो जाती हैं। लेकिन यहाँ चूंकि पहले से एलर्जिक साइनसाइटिस या राइनाइटिस की जो ठंडक की समस्या है उसमें हम पेट को ठंडा नहीं कर सकते, तो हम छाती पीठ पर गर्म सेक कर सकते हैं, दो दो तीन तीन मिनट पेट पर हम हल्का गर्म सेक कर लें, या फिर पेट का गर्म ठंडा सेक कर सकते हैं, दो मिनट गर्म एक मिनट ठंडा, फिर दो मिनट गर्म एक मिनट ठंडा, दो मिनट गर्म एक मिनट ठंडा। हम घर पर इजीली इसको कर सकते हैं गर्म पानी की थैली और गीले कपड़े से। इसको हम 5 बार भी करते हैं तो 15 मिनट का होता है, और उसके बाद हम आंतों की पूरी सफाई के लिए एनेमा ले सकते हैं। एनेमा हम हल्का गुनगुना पानी, साफ पानी हो तो हल्का गुनगुना करके सादे गुनगुने पानी का भी एनेमा ले सकते हैं। अगर हमारे आसपास नीम की अवेलेबिलिटी है तो हम पानी में थोड़ी सी नीम की पत्तियां ढंग से धो के पानी में उबाल के नीम के पानी का एनेमा ले सकते हैं, अच्छा रहेगा, आंतों की और अच्छे तरीके से सफाई करवा देता है। तो एनेमा हो गया, एनेमा से हमने क्लीनिंग करा दी, और जो सिम्टोमेटिक बेसिक ट्रीटमेंट जो आपकी एलर्जिक राइनाइटिस या साइनसाइटिस के लिए था उसमें सफ़ेदे की भाप और नस्य साथ में गर्म पान स्नान करवा दिया। ये तो हो जाएंगे हमारे नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स। अब आती है बारी योगिक ट्रीटमेंट की, योगा थेरेपी की। योगा थेरेपी में योग करने के पहले शुद्धि क्रियाएं रखी जाती हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक साइनसाइटिस के लिए शुद्धि क्रियाओं में जो दो तीन क्रियाएं हैं, एक तो जल नैति, दूसरा रबर नैति या सूत्र नैति, और तीसरा कुंजल की क्रिया। ये क्रियाएं बहुत ही इफेक्टिव होती हैं, बहुत अच्छा फायदा करती हैं। इसके साथ में एक क्रिया होती है जिसको हम व्युत क्रम बोलते हैं, कपालभाति। सामान्य तौर पर लोग कपालभाति को प्राणायाम के नाम से जानते हैं, लेकिन कपालभाति शुद्धि क्रियाओं में, सठ क्रियाओं में, छह क्रियाओं में से एक क्रिया है जो तीन प्रकार की होती है। वात क्रम जो कपालभाति प्राणायाम के नाम से जाना जाता है, व्युत क्रम मतलब नाक से हम पानी भरते हैं दोनों नासिकाओं से और मुंह से पानी को छोड़ दिया जाता है। तो ये हमारे पूरे के पूरे दोनों नेजल एरियाज की सफाई करते हुए, नेजो फेरिंग्स से होते हुए, ओरो फेरिंग्स से होते हुए ओरल कैविटी से पानी को निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा थ्रोट एरिया की सफाई कर देती है। ये बहुत ही अच्छी क्रिया है। इस क्रिया को अगर हम करते हैं तो बहुत जल्दी हमको एलर्जिक साइनसाइटिस या एलर्जिक राइनाइटिस में आराम मिल जाता है। जो जल नैति की क्रिया है वो बहुत इफेक्टिव और बहुत ही बेनिफिशियल क्रिया है इस समस्या में। रबर नैति और सूत्र नैति जो है अगर हम कर सकते हैं तो ये दोनों क्रियाएं भी बहुत अच्छी क्रियाएं हैं। ये नेजल क्लींजिंग क्रियाओं में रखा जाता है, इनको नाक की सफाई करने वाली क्रियाएं हैं। साथ में पानी पी के वॉमिटिंग करना, हल्का गुनगुना निमाया सा पानी, उसमें हल्का सा नमक डाल दिया, पानी को बड़े बड़े घूंट जल्दी जल्दी हमें पीना है, और फिर जब हम पानी को निकालते हैं तो ये भी हमारे इस ओरल कैविटी से होते हुए पानी निकलता है, ओरोफेरिंग से होते हुए निकलता है, और वो हमारी पूरी की पूरी थ्रोट और ओरल कैविटी की सफाई कराता है। क्लींजिंग क्रियाओं में रखा जाता है, तो ये भी हमारे एलर्जिक राइनाइटिस और एलर्जिक साइनोसाइटिस के लिए एक बहुत अच्छी क्रिया है, बहुत अच्छा फायदा होता है, जमा हुआ कफ निकलता है इससे। नाक जो बंद रहती है या एलर्जिक राइनाइटिस के चक्कर में हम नाक से सांस नहीं भर पा रहे हैं, उसके चक्कर में ऑक्सीजन की कमियाँ जो होती हैं उसकी वजह से जो और बीमारियाँ हो रही हैं, उन सारी बीमारियों में हमको ये क्रियाएँ बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा करने का काम करती हैं। जल नैति, रबर नैति और सूत्र नैति और कुंजल क्रियाएँ, ये क्रियाएँ किस तरीके से करते हैं इसके लिए शुद्धि क्रियाओं का पूरा एक टॉपिक है, वो टॉपिक आप देख सकते हैं। अगर आपको
और कहीं कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इन क्रियाओं को अभी डिटेल में नहीं बता रहे हैं, ये क्रियाएं करने से इस समस्या में आराम होता है ये अपन देखें। क्रियाओं को करना अगर आपको है तो आप क्रियाओं का वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद फिर बारी आती है योग थेरेपी की, योगा थेरेपी की। उसमें हम आसन और प्राणायाम रखते हैं, तो अलर्जिक साइनसाइटिस या अलर्जिक राइनाइटिस या अलर्जिक ब्रोंकाइटिस के लिए जो आसन महत्वपूर्ण हैं, उन आसनों में वो आसन ज़्यादा ज़रूरी हैं जो हमारे सीने को फैलाने का काम करवाते हैं, ताकि जो आसन हमारे सीने को फैलाने का काम कर रहे हैं वो आसन हमारे शरीर में श्वास को ज़्यादा से ज़्यादा भरवाने का काम करते हैं। सीना फैलता है, सीना फूलता है, सीना चौड़ा होता है, तो हम ज़्यादा अच्छी मात्रा में श्वास को अंदर भर पाते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ज़्यादा अच्छी मात्रा में जो हमारे शरीर में अशुद्ध वायु, कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा जो है वो बाहर निकल के आती है, तो शरीर में ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है। इसलिए वो सारे आसन जो सीने को फैलवाने का काम करते हैं, जिसमें सीना चौड़ा होता है, वो सारे आसन इस समस्या में बहुत इफेक्टिव हैं। जिनमें अगर हम खड़े होकर आसन करते हैं तो ताड़ासन या फिर अर्धचक्रासन, खड़े होके कमर पे हाथ रखे पीछे की तरफ झुकना। साथ में अगर हम बैठकर आसन कर रहे हैं तो उष्ट्रासन बहुत अच्छा आसन होता है बैठ के करने वाले आसनों में। अगर हम सीधे लेट के आसन कर रहे हैं तो मत्स्यासन इसके लिए एक बहुत अच्छा आसन है। अगर हम पेट के बल लेट कर आसन कर रहे हैं तो भुजंगासन बहुत अच्छा आसन माना जाता है इसके लिए। भुजंगासन है, धनुरासन होता है, राजकपोतासन होता है, जो आपसे हो जाए। बहुत साधारण आसन है ताड़ासन, अर्धचक्रासन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन और भुजंगासन। इसमें लगभग स्टैंडिंग सीरीज, सिटिंग सीरीज, सुपाइन और प्रोन, सीधे लेट के करने वाले, पेट के बल लेट के करने वाले सारे आसन आ जाते हैं, और बहुत साधारण से आसन है। इनको हम कहीं भी देख करके बहुत आसानी से कर सकते हैं और इस समस्या में बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आसन के बाद बारी आती है प्राणायाम की। प्राणायाम में जो बहुत अच्छे प्राणायाम हैं अलर्जिक साइनोसाइटिस, अलर्जिक राइनाइटिस और अलर्जिक ब्रोंकाइटिस के लिए, उनमें सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, ये बहुत अच्छे प्राणायाम हैं। इन प्राणायामों को करके हम अलर्जिक राइनाइटिस, अलर्जिक साइनोसाइटिस और अलर्जिक ब्रोंकाइटिस, इन तीनों ही समस्याओं में बहुत अच्छा आराम पा सकते हैं। इन प्राणायामों के बारे में विस्तृत जानकारी पाने के लिए आप प्राणायाम वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें प्राणायामों के बारे में, किस तरीके से प्राणायाम को करते हैं और क्या क्या उसके फायदे हैं, ये पूरा बताया गया है। प्राणायामों के बाद बारी आती है, हम प्राकृतिक चिकित्सा कर चुके, हम योग में पहले शुद्धि क्रिया कर चुके, फिर आसन कर चुके, फिर प्राणायाम हो गया। इसके बाद बारी आती है आहार चिकित्सा की। अलर्जिक साइनोसाइटिस, राइनाइटिस या अलर्जिक ब्रोंकाइटिस, इसमें आहार चिकित्सा का भी बहुत अहम रोल होता है। आहार चिकित्सा में अगर हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ ठंडा खाए जा रहे हैं, क्योंकि ये समस्या ठंडी तासीर की समस्या है, तो इसमें हमें ठंडक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका परहेज करना पड़ेगा। अगर हम परहेज करेंगे तो हमको लाभ होगा। हम एक तरफ से सफाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ से गंदगी फैला रहे हैं, तो सफाई नहीं दिखेगी। हम एक तरफ से शरीर में गर्मी पैदा कर रहे हैं, रोग को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से हम ठंडा आइसक्रीम खा रहे हैं या फ्रिज का पानी पी रहे हैं या हम तरबूज खा रहे हैं या हम तोरई खा रहे हैं या हम कच्चा सलाद खा रहे हैं, तो ये सब ठंडी चीज़ें हैं, ये हमको नुकसान करेंगी। ठंडी चीज़ों से परहेज करना है, और कोशिश करी जाए कि हम अगर जैसे सलाद खाने का बहुत मन करता है हमको, तो उबला हुआ सलाद खा लें। हम ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं, लेकिन पानी हल्का निमाया पिएं। जब ये फेज हमारी है, जब साइनोसाइटिस या राइनाइटिस की समस्या हमको है, हम हल्का गुनगुना पानी ही पिए। हम अगर सब्जियों का जूस पीने के शौकीन हैं तो हम जूस को हल्का गर्म पानी में रख के हल्का निमाया सा गुनगुना कर लें, उसके बाद जूस पिए। हम सब कुछ करते रहें लेकिन एक गिलास लौकी का जूस रोज पीते रहें, हम नारियल का पानी पीते रहें, तो नुकसान होता रहेगा, पूरा फायदा नहीं हो पाएगा।
इसीलिए कहा जाता है कि बाकी सारी चीज़ें करते हुए अगर हम परहेज भी करेंगे तो हमें बहुत जल्दी लाभ हो जाएगा, अगर सब कुछ करते हुए परहेज नहीं किया हमने तो लाभ नहीं होगा फिर। तो ये आहार क्रम में हमें ध्यान रखना है। गर्म चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं हम। इसके अलावा हम जो नुस्खे हैं अलर्जिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस के केस में, तुलसी, मुलैठी, काली मिर्च, अश्वगंधा, हल्दी, इनको हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगभग एक गिलास पानी में डालें, पानी को खूब उबालें। जितना पानी को उबालेंगे, पानी इतना उबालें कि लगभग पानी आधा रह जाए, इसको काढ़ा बोलते हैं। पानी जब आधा रह जाए तो उसमें हल्का सा गुड़ मिला करके, गुड़ चला के उसको थोड़ा सा मीठा कर लिया, स्वाद के अनुसार गुड़ मिला लिया, और उस पानी को घूट घूट करके, उस काढ़े को घूट घूट करके हम पियेंगे। तो इसमें हमने सौंठ मिलाई है, सौंठ ड्राई जिंजर, जिंजरॉन होता है जो म्यूकोलाइटिक है, जो एक्सपेक्टोरेशन कराने का काम करता है, जो ब्रोंकोडायलेटर है। इसमें मुलैठी है, एक्सपेक्टोरेशन का काम कराती है। इसमें काली मिर्च हमने डाली है, ये म्यूकोलाइटिक है, गंदगी बाहर निकलवाने का काम करती है, जो नेजल म्यूकोसल मेम्ब्रेन पर म्यूकस चिपका हुआ है उसको हटाने का काम करवाती है। तो ये काढ़ा हमको बहुत लाभ करेगा। हम अड़ूसो के पत्तों का काढ़ा ले सकते हैं, अड़ूसा भी बहुत अच्छा ब्रोंकोडायलेटर, बहुत अच्छे तरीके से म्यूकोलाइटिक और बहुत अच्छा एक्सपेक्टोरेशन का काम कराने वाला है। अड़ूसा के पत्तों का काढ़ा ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम इनका उपयोग करेंगे तो हम साइनसाइटिस, अलर्जिक राइनाइटिस और अलर्जिक ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं से पूरे तरीके से निजात पा सकते हैं। अगर हम सिम्टोमेटिकली इसको कर रहे हैं तो सिम्टम्स तो लगभग एक दो दिन में ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ समय तक अगर हम इसका अभ्यास, नियमित अभ्यास में ले लेंगे तो हम धीरे 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 करके अपने शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी इनके माध्यम से बढ़ा सकते हैं। जो ये समस्या हमारी है, इस समस्या से हमेशा के लिए हम लाभ पा सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें फॉलो करिए और इस समस्या में जो भी आपको समझ में ना आया हो, आपको कोई दिक्कत लगे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर अगर है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।